दोस्तों एक बार आप लोग लिए फिर से 90 गज का विला लेके आए हो, सिंप्लेक्स विला रहने वाला है ये, आप लोग देख सकते हो, जिसके अंदर आपको पार्किंग मिल जाती है कार की, वो भी काफ़ी बड़े साइज की। डायमेंशन की सबसे पहले मैं बात करूँ तो 21.5 की आपको फ्रंट की डायमेंशन मिलती है, 38 आपको अंदर की गहराई मिल जाती है। और बात की जाती है मेन रोड की, तो अपने पास जैसे मैं आपको पहले ही बताता आया हूँ कि वृंदावन अपने ये सोसाइटी रहने वाली है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे आप लोगों के लेके आए हैं, जहाँ पे 1200 प्लस फैमिलीज़ को, यानी 1200 प्लस घर बनाने का अपना टारगेट है, पर 500 प्लस फैमिलीज़ यहाँ पे अभी करेंटली रह भी रही है। तो आप जब लोगे तो आप लोगों को यहाँ पे आबादी ऑलरेडी मिल रही है, लोग रहते हुए मिल रहे हैं। पर बात की जाती है आपके घर के बाहर की, तो हमारे पास 20 फीट से रोड स्टार्ट हो जाती है, 28 फीट तक जाती है, पर जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ये 22 फीट की रोड रहने वाली है। चलिए चलते हैं आप लोगों के विला के अंदर। तो ये आप लोगों का रहेगा विला, जो कि आप लोगों का मैंने आपको पहले बताया 90 गज का, लोहे का आपको गेट देखने को मिल जाते हैं। ये आप लोगों की रहेगी काफ़ी बड़ी सी एंट्री पॉइंट कार पार्किंग के लिए, जैसे मैंने बोला तो स्लैब यहाँ दिया हुआ है, आप लोग कार ला सकते हो। यहाँ पे मिलता है आप लोगों को समर सेविक किया हुआ, एंड ये एडजस्ट कर देंगे साइज वगैरह, ऐसा नहीं कि इतना ऊंचा रहेगा, कार भी तो आपको पार्क करनी है। साइज की बात करें तो देख सकते हो काफ़ी बड़ा साइज आप लोगों को यहाँ पे कार पार्किंग का देखने को मिलता है। आप लोग आराम से पार्किंग यहाँ पे अपनी बड़ी गाड़ी है तो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज बाइक वगैरह है तो वो भी साथ में कर सकते हो, या घर के बाहर भी आप लोग पार्किंग अपनी कर सकते हो। एंट्री की बात करते हैं तो फ्रंट एंट्री ये मिलती है, पर घर के अंदर जाने के लिए आपको दो एंट्री मिल जाती है। एक एंट्रेंस आपको वहाँ स्टेयर्स के पास से मिलती है, सेकंड एंट्रेंस मिलती है आपको यहाँ से, जो कि गेस्ट रूम की एंट्रेंस रहने वाली है। पर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि हमने जो एक वॉशरूम होता है कॉमन वॉशरूम, हमने बाहर की तरफ ही दे दिया, जो कि एज अ गेस्ट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, और ये पूरा कॉमन वॉशरूम आप लोगों का बाहर के एरिया में हमने बना के आपको दे दिया। एंड अब यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे आप लोगों के फर्स्ट रूम के अंदर। ये देख सकते हैं स्पेस वाइज बहुत ही स्पेसियस आपको यहाँ पे साइज मिल जाता है। साइज की बात करूँ तो ये आप लोगों का 12x16 का डायमेंशन मिल जाता है आपके फर्स्ट रूम का, या फिर आप इससे अपना ड्राइंग सेक्शन एरिया भी बना सकते हैं। साइज वाइज बहुत ही स्पेसियस साइज आपको मिलता है। बट उससे पहले मैं आपकी फॉल सीलिंग के ऊपर ध्यान लेके जाऊँगा, तो फॉल सीलिंग देखोगे तो POP की वर्किंग के साथ हमने आपको बहुत ही खूबसूरत सी फॉल सीलिंग यहाँ पे आपको दिया हुआ है। एंड वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे आपको खिड़कियाँ दे दी हैं, आप लोग यहाँ पे अपना कूलर लगाना चाहो कूलर लगा सकते हो, विंडो AC लगाना चाहो विंडो AC लगा सकते हो, स्प्लिट AC लगाना चाहो तो स्प्लिट AC लगा सकते हो। स्विच उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे हाई एम्पेयर का दे ही दिया है। स्पेसियस स्पेस है, काफ़ी प्यारा ये घर रहने वाला है। उस साइड भी स्विच वगैरह मिल जाता है, और इस साइड आप लोग अपना TV पैनल लगा सकते हैं। आज ही मैं आपको आपका किचन दिखा देता हूँ, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आपकी जो पहली एंट्री उस साइड थी, दूसरी एंट्री आपका डायरेक्ट किचन के पास होती है। तो इस साइड देखोगे इधर से हम आएंगे, जैसे मैंने आपको बोला था एक एंट्री इधर से है, इधर से आप आओगे आपको मिल जाता है किचन। 8x10 के डायमेंशन में आप लोगों का ये किचन का साइज़ रहने वाला है। ये आप लोगों का वेट एरिया है, सेमी मॉडुलर किचन हम आपको बना के दे रहे हैं, सारा वुडन वर्क यहाँ पर आपको करा कराया मिल ही रहा है। इस साइड भी स्पेस की बात करूँ तो देख सकते हैं स्पेसियस स्पेस आपको यहाँ पे पूरे पूरे हर कैबिनेट में देखने को मिल जाता है। पूरा वुडन वर्क जो है काफ़ी अच्छे मटेरियल से हमने किया हुआ है, और ये आपका स्टोरेज सेक्शन के लिए स्टेनलेस स्टील मटेरियल का वर्क हमने इसके अंदर करके दिया हुआ है। इस साइड ऊपर की तरफ हमने ग्रेनाइट लगा के दिया है काफ़ी अच्छे क्वालिटी का, प्लस इस साइड अगेन वेंटिलेशन के लिए हमने एक विंडो दे दी है, जो कि आपके किचन की हीट को बाहर की तरफ आउट करती है। तो ये स्पेसियस स्पेस है, इस साइड आपका RO के लिए स्पेसियस स्पेस है। बात की जाती है पानी के, तो भाई साहब देखो हमने आप लोगों के लिए समरसिबल ऑलरेडी लगा के दिया हुआ है, और यहाँ पे RO की नीड तो पड़ती नहीं, इतना प्यारा और मीठा पानी आपको मिल जाता है। किचन से लगते ही आप लोगों का रहेगा पहला रूम, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेसियस साइज आप लोगों को यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। साइज की बात करूँ तो 10x12 का आप लोगों को यहाँ पे साइज देखने को मिलता है, ये आपके फर्स्ट रूम का। फॉल सीलिंग देखोगे तो फॉल सीलिंग के अंदर हमने कलर के रूम के अकॉर्डिंग ही इसमें डिज़ाइन आप लोगों को दिया है। और इस साइड आ जाएंगे आप लोगों का सापट मिल जाता है, प्लस आप लोगों को यहीं से ही मिल जाता है वॉशरूम का कनेक्शन। बट सापट आप देखोगे काफ़ी बड़ा साइज दिया है, जिससे यहाँ पर आप लोगों को फुल्ली वेंटिलेटेड रूम मिलता है। इधर आ जाओगे तो आप लोगों का वॉशरूम रहेगा, जो कि अटैच है, दोनों रूमों के साथ अटैच रहने वाला है, इस रूम से भी और उस रूम से भी। और जो सेपरेट वाला है मैंने आपको बताया था, वो हमने बाहर की तरफ दिया। स्पेस वाइज देखोगे तो बहुत ही अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो ये आप लोगों का वॉशरूम था, बट मैं यहाँ से नहीं, आपको अगेन बाहर के साइड से ही आपके सेकेंडरी रूम में लेके चलना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे कि आप लोगों को यहाँ पे 90 गज में 3 रूम एक तरह से कितना प्यारे मिल जाते हैं। ये आ जाते हैं हम लोग, यहाँ हम आ जाते हैं आप लोगों के सेकेंडरी रूम के अंदर। 10x11 का ये रूम साइज आप लोगों का रहने वाला है, स्पेसियस साइज है, स्विच वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। वेंटिलेशन के लिए अगेन हमने विंडो दे दिए, हर रूम में विंडो दिए वेंटिलेशन के लिए, कोई इशू नहीं आएगी। स्विच अगेन 16 एम्पीयर का हमने दे दिया, जहाँ पे आप अपना AC लगाना चाहो AC लगा सकते हो, कूलर लगाना चाहो
कूलर आप लगा सकते हो। फॉल सेलिंग देखोगे तो यहाँ पे पर्पल कलर का यूजिंग करते हुए हमने इसको फॉल सेलिंग को डिज़ाइन किया है। एंड अगेन यहाँ से आप लोगों का वो वॉशरूम कनेक्ट हो जाता है जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। चलिए बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग ओबरा की। सो दोस्तों आप लोगों ने देखा ये 90 गज का विला बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को मिलने वाला है। प्राइसिंग अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, सबसे पहले फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। बात करते हैं सोसाइटी के अंदर, तो पूरा गेटेड टाउनशिप सोसाइटी रहने वाली, जहाँ आपको CCTV कैमरा सिक्योरिटी मिलती है, 4 सिक्योरिटी गार्ड मिल जाते हैं चारों गेटों के लिए। जी हाँ, 4 साइड से आपको एंट्री यहाँ पर मिलती है, प्लस कॉमर्शियल बेल्ट आपको पूरी सोसाइटी के अंदर मिल जाता है। समर से वह कनेक्शन करके दे रहे हैं, सीवरेज का कनेक्शन आपको यहाँ पे मिल ही रहा है। तो ये सारी फैसिलिटी हो गई आप लोगों के इस एरिया की। बात की जाए कौन सी लोकेशन है, तो नोएडा एक्सटेंशन 16B के अंदर मैं हमेशा मोस्टली आपके विलास का प्रोजेक्ट लेके आता रहता हूँ। एक मूर्ति गोल चक्कर से मात्र 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर आप लोग लाल कुआं से आते हो तो वहाँ से भी 2 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको देखने को मिलता है। बात की जाते अथॉरिटी, तो इसकी जो अथॉरिटी लगती है वो है अपनी दादरी। लोनोग्राफ पर अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो 80-85% लोन मिल जाता है, डिपेंड आपके प्रोफाइल के ऊपर करता है, तो ये ऑप्शन आप लोगों के लिए रहते हैं। बात की जाती है बुकिंग वगैरह की, अगर आप लोग ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहते हो या विजिट करना चाहते हो। सो ये सारी चीज़ें होगी आप लोगों के मतलब फैसिलिटी। अब एक मूर्ति गोल चक्कर के पास में है, स्कूल कॉलेज सब कुछ आपको मिलेगा ही, आपका भी मेट्रो स्टेशन भी आपको 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर मिल जा रहा है। बात की जाती है इस 90 गज की विला की कि आपको कितने का पड़ेगा, तो दोस्तों बहुत ही कम प्राइस रहने वाला है इस सोसाइटी के अकॉर्डिंग। 48,60,000 में आप लोगों को ये विला पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बुकिंग करानी है तो मात्र आप लोग 51,000 रुपये से इसकी बुकिंग करा सकते हो, एंड लोन कराना है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अभी क्या करना है, आप लोगों को कॉल करना है स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है। अगर आपको इससे बड़ा साइज चाहिए या आपको डुप्लेक्स चाहिए तो वो ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो जल्दी जल्दी अपने कॉल करें, बुकिंग कराएं। मैं मिलता हूं आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।